हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव टेरेस गार्डनिंग। आज हम छोले लगाने वाले हैं। इन छोलों को मैंने घर पे भिगो दिया था 1.5 दिन के लिए फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं इसके अंदर हल्की हल्की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी। इसको सब मैंने 1.5 दिन के लिए पानी में ही छोड़ दिया था, और अब इस छोटे से डिस्पोजल कप में मैं इसको लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास और पॉट्स हैं नहीं। तो फिलहाल जब तक इसके अंदर स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है, इतने में हम अपना पॉट भी तैयार कर लेंगे। बट फिलहाल हम इसको इसी में लगा लेते हैं। देखिए, मैंने इसके अंदर ड्रेन होल कर दिया है, और अब इसके अंदर मैं मिट्टी भर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें मिट्टी भरने के बाद इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि अंदर गैप्स ना रहें, और पानी डालने के बाद इसको प्रॉपर सेट कर लेंगे। और मैं जितने भी चने हैं सारे इसी के अंदर ही लगा दूँगी। थोड़े कंजेस्टेड होंगे, बट कोई बात नहीं, जितने भी होंगे हम फ़िलहाल सारे इसी में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे ग्रोथ होगी तब हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। इसको सब मैं मिट्टी में लगा रही हूँ। मैंने इस बार कोकोपीट नहीं लगाया है, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि सर्दियाँ आ गई है और पानी भी होल्ड करता है कोकोपीट। तो ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी पिछली बार, बट वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगी। तो इसलिए इसमें मैं कोकोपीट नहीं डाल रही हूँ, सब इसके अंदर मैंने मिट्टी ही रखी है। जो घर के बने हुए कंपोस्ट है वो होगा इसके अंदर बस। और अब इसमें एक एक कर करके मैं सारे चने लगा रही हूँ। इसके जो स्प्राउटिंग वाला एरिया है वो मैंने ऊपर की साइड रखा है फ्रेंड्स। एक एक कर करके मैं पूरे के पूरे इसको भर दूंगी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने पहले कभी नहीं लगाया है। मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सच में लगाना है, नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। इसलिए आज मैं ये लगा रही हूँ और आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बट जो भी होता है एक एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मैंने इसी के अंदर ही एडजस्ट कर दिए हूँ। ये टोटल 15 हैं चने के दाने। और मुझसे थोड़ी गलती हो गई, वो पानी मुझे पौधों में ही डाल देना चाहिए था, बट ध्यान नहीं दिया मैंने इस पे अभी। बट कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से मैं थोड़ी सी मिट्टी से कवर कर रही हूँ इसको, और बहुत हल्के हाथों से टैप कर रही हूँ बस। और ये मिट्टी को सेट करने के लिए मैंने थोड़ा टैप कर लिया है। अब देखते हैं कितने दिनों में इसमें स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्लांट आना। और वैसे भी अच्छा ही है, छोटे में करेंगे तो हमारा प्लांट जो है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और होप सो जल्दी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे अब हमारे को इसके, और जो भी होगा अपडेट वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये शिमला मिर्च के जो सीड्स लग रहे थे वो मुझे इसमें लग नहीं रहा ग्रोथ हो पाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घना है। तो इसको मैं निकाल के एक दूसरे उसमें डाल रही हूँ। मैंने एक पहले भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाइट वाले में ही। अभी तक इसमें वो नहीं होगा, सेम की फली के सीड्स लगाए थे, अभी शायद सर्दी आ गई है इस वजह से ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है। बट फिलहाल मैंने ये तो लगा ही दिया, जो जब होगा हो जाएगा। बट हमको कोशिश करते रहना चाहिए, अगर हमारा इसी से फ्री के प्लांट बन सकते हैं तो हम कोशिश करने में क्या जाता है हमारा। तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया है, और अगर इसी के अंदर ये शिमला मिर्च का प्लांट बन जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, अगले साल हमको फ्रूटिंग भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।